मैं राजेश कुमार सिंह, समाजवादी पार्टी बिहार प्रदेश महासचिव हूँ। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, किस तरह का धरना है? आज का कार्यक्रम हमारा 9 अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर शुरू हुआ पटना से, जो भू लगान में इस नकली समाजवादी सरकार के द्वारा बेतहाशा वृद्धि कर दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी के निर्देश में बिहार के सभी प्रखंड और सभी जिला मुख्यालय पर ये धरना दे रहे हैं, ताकि लोकतंत्र का ये धरना हथियार है। हम इस हथियार के मार्फत से सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार किसान के बारे में जितना आप मनलुभावन भाषण दिए, उसके खिलाफ आपने इतना बड़ा फैसला लिया है, जो फैसला आज तक ब्रिटिश शासन से भी खराब फैसला है। आज 600 रुपया प्रति एकड़ कर दिया गया है भू राजस्व लगान, जो जब से बाकी है हमारे किसान पर, तब से और आज तक जोड़ करके, ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे किसान का खेत ही बिक जा रहा है। तो ये आज का जो धरना है सर, तो सभी जगह पूरे बिहार में हमारा धरना चल रहा है, सभी प्रखंड। हाँ, उसका समापन जो है सो 20 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी क्रमबद्ध करते हुए आ रहे हैं और बासोपट्टी में समापन करेंगे विशाल धरना को संबोधित करके, और सरकार को मैसेज देंगे कि हम समाजवादी किसी भी सूरत में आपका ये तुगल की फरमान को नहीं मानेंगे और भू राजस्व का आपको वापस लेना होगा। तो आपको याद होना चाहिए, हमारे नीतीश बाबू की जब सरकार बनी थी तो उसमें सीधे कहा गया था बीबीसी की तरफ से कि सभी चीज पर तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन घुसखोरी पर कंट्रोल करना इसके जिम्मे की बात नहीं है। आप आंख खोल करके देख रहे हैं कि घुसखोरी हमारे यहाँ कितना आगे बढ़ चुका है। मैं इसका उदाहरण दे देता हूँ। और दूसरी बात यह भी है, शिक्षा का तो नाम मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वयं प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त हूँ और जोर जोर दुर्दशा मैंने विभाग में देखी है, अभी देख रहा हूँ, वो वर्णनीय नहीं है, अवर्णनीय है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। वर्णन के रूप में आप एक उदाहरण ले लें, मैं सेवानिवृत्ति के बाद हमारे गाँव का मिडिल स्कूल अपग्रेडिंग हाई स्कूल बना, 2 वर्षों से मैं 4 सेवानिवृत्त की सहायता से उस विद्यालय में पठन पाठन का काम 9 बजे से 4 बजे करता आ रहा हूँ, और शिक्षकों के लिए विधायक MP DM SDO BDO यहाँ तक कि जितने छोटे बड़े लोग मिले, सबों के दरबार को खटखटाया, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। अभी तक वहाँ शिक्षक नहीं भेजे गए हैं, हम लोग अपने खर्च और बलबूते के बदौलत उस उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुआर में एक छोटी सी दीप जला रहा हूँ। कहने का मतलब कि आप 1.5 करोड़ की लागत से मेरे गांव में विद्यालय का भवन बनवा दिया, लेकिन शिक्षक नहीं भेजा। क्या शिक्षा का धज्जिया पुरा रहे हैं? क्या गरीब बच्चों को आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं? यदि करते होते तो बिहार में ऐसी उत्क्रमित अनेक विद्यालय है जहाँ आपके द्वारा एक भी शिक्षक नहीं भेजा गया है। स्वास्थ्य तो बिल्कुल दम तोड़ रहा है, स्वास्थ्य की बात तो नहीं ली जानी चाहिए, दम तोड़ते हुए स्वास्थ्य की बात आप सभी से अवगत है। आइए नारी सम्मान, मैं अपनी बात को बहुत कम में आप लोगों के बीच रख देना चाहता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है। आइए हम नारी सम्मान, देश की और संसार की आधी आबादी हमारी नारी है, हमारी नारी हमारी माता है, वो देवी लक्ष्मी है, दुर्गा है, भगवती है, सरस्वती है, गार्गी मैत्रेयी और सीता है। उदाहरण क्या मिलता है, हरियाणा में मैट्रिक की टॉपर लड़की, मैट्रिक में टॉप की है, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। ये मेरे देश के सुप्रीम पदाधिकारी हमारे प्रधानमंत्री जी, आप आंख खोल करके देख लीजिए, जिस नारी ने आपको जन्म दिया, जिस नारी ने मुझे जन्म दिया, उस नारी का सम्मान और मान आपके समाज में क्या है, ये आप समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं कि कितने अनाथालय आश्रम आपके बिहार में है, और उन अनाथालयों की क्या स्थिति है? यदि अच्छी स्थिति है तो आप पद पर बने रहे, यदि बुरी स्थिति है तो एक पलटू राम एक पलटू आलू पुनः आप अपनी गति को पलट डालिए, छोड़ डालिए, आप दूसरे के लिए खाली कीजिए, एक सुसभ्य व्यक्ति इस गति को पकड़े, इस गति पर जाए और बिहार को आगे बढ़ाए, क्योंकि भारत का ही मानचित्र में बिहार ही एक राज्य है। भाई जय चंद्र, कृपया भाई।